गर्मियों में अक्सर खाना बच ही जाता है, स्पेशली रोटियां। और जब रोटी बच जाती हैं, तो सोचना पड़ता है कि इन्हें कैसे यूज करें कि सब खुशी खुशी खा लें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी जबरदस्त टेस्टी हेल्दी वाली रेसिपी कि जिसको बनाना जितना आसान है ना, खाने में इतनी टेस्टी है कि यकीन मानिए इसको एक बार आपने खा लिया तो आप रोज 5 रोटी एक्स्ट्रा ही बनाएंगे या चाहेंगे कि रोटियां बच जाए तो अच्छा है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर गर्मियों में खाना खाने का मन नहीं होता दोपहर में और रोटियां बच जाती है, तो फिर सोचना पड़ता है कि इनका यूज कैसे करें। तो ये आज की जो रेसिपी है बेस्ट यूज है बची हुई रोटी का। तो ये टोटल मैंने 5 रोटियां ली हैं। यहाँ पर रोटी को सिर्फ आप इस तरह से रैंडमली तोड़ लीजिए, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, बस इस तरह से सारे पीसेस हम तोड़ लेंगे, या फिर आप ऐसे कैची लेके छोटे छोटे पीसेस इस तरह कट कर लें, ये और भी आसान है। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में हम सारी रोटी के टुकड़े जो भी हमने किए थे ना, बस उसको हम डाल देंगे। अब साथ में यहाँ पर जाएगा 1 कप दही। मेजरमेंट के लिए आपको एक कटोरी या कप सेट करने, उसी अनुसार पूरा मेजरमेंट करें। तो लगभग 5 रोटी के लिए मैंने ये बड़ी वाली 1 कटोरी दही लिया है। सिंपल घर का जमा हुआ फ्रेश दही है, हल्का सा खट्टा भी होगा तो भी चलेगा। और दही डालकर बिल्कुल बढ़िया से इसको पीस लेंगे। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से दोनों चीजों को पीस लिया। एकदम देखिए इस तरीके का फाइन आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। एक बोल में सारे मिक्स को हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डालेंगे 1 कप सूजी, यानी जिस कटोरी से आपने दही लिया था ना, उसी से आप सूजी ले लें। साथ ही जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक गाढ़ा घोल हम तैयार करेंगे। ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे डोसे वगैरह का बैटर होता है ना, बस उस कंसिस्टेंसी का। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और मिक्स करते जाएं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने मिक्स कर दिया, बिल्कुल देखिए इस कंसिस्टेंसी का घोल है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। अभी सूजी फूलेगी भी ना, तो इसको 5 मिनट इसी तरह से रेस्ट पर हम रख देंगे और तैयारी करेंगे आगे के स्टेप की। और 5 मिनट बाद बैटर को चेक करेंगे। ये देखिए परफेक्ट, सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और सूजी भी फूल गई है। तो बस इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, साथ में जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट। अगर आप लहसुन वगैरह नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाएंगी हेल्दी वेजीज। तो यहाँ सब्जियों में मैंने ले ली है 1/4 कप के करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, और ये मैंने ली है कद्दूकस करी हुई लौकी, कच्ची लौकी को छील करके उसको मैंने पतले वाले जो ग्रेटर होते ना कद्दूकस, उससे मैंने ग्रेट कर लिया। मैं ये बना रही हूँ बची हुई रोटी का गुजरात का फेमस हांडवो। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्त रेसिपी और आपको बहुत पसंद आएगी, हेल्दी भी टेस्टी भी और बच्चों की मनपसंद। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी सी प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। यदि आप प्याज नहीं खाते हो हटा दीजिए, कोई परेशानी नहीं। जो सब्जी आप लाइक करें इसमें ऐड कर सकते हैं। लौकी का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, ऑथेंटिक हांडवो की रेसिपी में भी हम लौकी जरूर डालते हैं। नहीं लाइक करें तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ली है मैंने। सभी चीजों को अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर आपको बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी, हमें इसी तरीके का गाढ़ा घोल रखना है, ज्यादा पतला इसे बिल्कुल नहीं करना है। और हांडवो को एकदम फ्लफी सॉफ्ट बनाने के लिए, जालीदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 सैशे फ्रूट सॉल्ट। पूरा 1 सैशे का अर्थ हुआ 1 छोटी चम्मच। या तो आप ये ग्रीन वाला ले लें या ब्लू वाला आता है ना रेगुलर, वो भी यूज कर सकते हैं। फ्रूट सॉल्ट की सुविधा ना हो तो आप यहाँ पर फिर 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डालेंगे पानी इसको एक्टिवेट करने के लिए। देखिए बबल्स आ गए ना, जेंटली करेंगे मिक्स। बैटर में सोडा या फ्रूट सॉल्ट तभी डालें जब आपको बनाना हो, पहले से इसमें डाल के ना रखें, क्योंकि इसके जो एयर पॉकेट्स होती है ना वो फिर खराब हो जाती हैं। तुरंत डालें, तुरंत बनाएं। ये देखिए फ्लफी सा आपको वॉल्यूमाइज्ड बैटर लगेगा, ये देखिए परफेक्ट। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। लेफ्ट ओवर रोटी का गुजराती हांडवो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटा सा पैन। अगर बड़ा पैन है तो फिर बड़े साइज का बन जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई कढ़ाई हो जिसमें हल्की सी गहराई हो तो वो भी ले सकते हैं। फ्लेम को रखेंगे लो और इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, बहुत ही बढ़िया लगती है इसमें, ये जो तड़का है ये असली जान होता है हांडवो का। 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, मस्त लगता है इसमें, ऑथेंटिक हांडवो में जरूर पड़ता है, वैसे आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। साथ ही जाएगा थोड़ा सा करी पत्ता और 1 छोटी चम्मच सफेद तिल। और तुरंत तड़के के बाद इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार रोटी वाला बैटर, लगभग 2 लैडल फुल, मतलब 2 करछी। थोड़ा फूला फूला सा बनाते हैं ना हांडवो, बस वैसे ही बनाएंगे।
और इस तरह से बटर डाल के फ्लेम कर दीजिए बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से हंडवों को पकने देंगे, उसके बाद ही इसे हम फ्लिप करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पारुल अगर ऐसा पैन ना हो, कढ़ाई ना हो तो किस में बना सकते हैं? आपके लिए लाइयो में एक और ट्रिक मिनी हांडवो की, आप बना सकते हैं हांडवो अप्पे भी। तो अगर आपके पास ऐसा वाला अप्पे पैन है वो ले लीजिए, या तड़का पैन होता है ना उसमें भी आप मिनी मिनी साइज के हांडवो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे सारे मोड्स में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, तेल को गर्म होने देंगे, बिल्कुल वैसे ही वाला तड़का हम सारे ही मोड में लगा देंगे, राई, सरसों के दाने, जीरा, इन सब चीजों का। और बस इस तरह से तड़का लगा करके सारे ही मोड में हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर फिल कर देंगे हांडवो का, ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि फूलेगा भी ना अभी, बस इस तरह। और लो मीडियम फ्लेम पर इस पर भी लगा देंगे लिड लगभग 3 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद हम अपने हांडवो को चेक करेंगे। धीरे से लिड को हटाएंगे, धीरे से एक करछी से इसको उठाकर पलट देंगे, क्या मस्त लुकिंग आई है। थोड़ा सा डाल दीजिए ऑयल या घी, और नीचे से भी इसको बढ़िया से सिकने देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो अपने अप्पे भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं। और बस एक चम्मच से इसको इस तरह से आप पलट दीजिए, ये देखिए क्या मस्त दिख रहे हैं प्यारे प्यारे मिनी हांडवो। और बस नीचे से भी इसी तरह सिकने देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो चलिए गैस को बंद करते हैं और हांडवो को चेक करेंगे। सुपर, ये देखिए बची रोटी का बेहतरीन हांडवो, जो ना सिर्फ देखने में सुंदर है, खाने में तो पूछिए मत, मजा आ जाएगा। इस तरह से हम हांडवो को निकाल लेंगे, और ये लीजिए हमारे अप्पे हांडवो भी है बिल्कुल तैयार, मस्त मस्त, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अब जब रोटियां बच जाएं तो परेशान मत होइएगा, तुरंत से बनाइएगा ये हेल्दी टेस्टी फटाफट वाली रेसिपी। और इसी तरह हम अपने सभी हांडवो तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी बची रोटी के जबरदस्त हेल्दी टेस्टी यूनिक स्टाइल के गुजराती हांडवो, जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम जब रोटियां बच जाए तो टेंशन ना ले, फटाफट बनाएं ये हेल्दी वाली रेसिपी, घर के बच्चे और बड़े मेरी गारंटी है आपसे बार बार बनवाएंगे, आप रोज चाहेंगे कि रोटियां बच जाए तो अच्छा है। और ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जालीदार और सॉफ्ट, तो जैसे चाहे वैसे बनाए। यहां मैंने हांडवो को सर्व किया है हरी चटनी और लाल वाली चटनी के साथ, आप इसे अपने मन चाहे डिप सॉस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, सिंपल चाट मसाला डालकर भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हांडवो में जो चीजें हमने डाली है ना उनका अपना ही फ्लेवर है। अप्पे भी देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए आज की ये लेफ्ट ओवर रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी क्रिएटिविटी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।